सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। काफ़ी दिनों बाद आज हमने व्लॉगिंग शुरू करी है। कई दिनों से ना बहुत बिजी थे हम, बहुत सारे काम आए हुए थे, इस वजह से कोई भी वीडियो नहीं आ पाई। तो अभी हम छत पे वापस आए हैं। बहुत सारे लोगों ने ना हमें सजेस्ट करा है कि जो हमने पांद लगाए हैं तो ये छत पे नहीं लगाने चाहिए। तो अब हमारा ये है कि धूप में, जहाँ कड़ी धूप आती है उस जगह पे नहीं लगने चाहिए। हाँ, कड़ी धूप में नहीं रखने। तो हम सोच रहे हैं इन्हें इन ट्रेज में से निकाल के पॉट्स खरीद के लाए हैं हम, और इस टीन शेड के नीचे रखा करें ताकि वो ज़्यादा धूप में ना रहें। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा यही है सीन कि इन्हें निकालें। कुछ हम ये हैंगिंग पॉट्स भी लाए हैं तो कुछ यहाँ पे ऊपर हैंग कर देंगे। तो अब शुरुआत करते हैं आज दोबारा से अपने टेरेस गार्डन को ठीक करने की। अब की बार ना हमें वाइट नहीं मिला यार, हम ये ग्रे में ले आए तो इनका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा यार, वाइट ग्रे। पिछली हमारी जो वीडियो थी ना टेरेस मेकओवर वाली, उसमें हमें बहुत सारे कमेंट्स आए, जिससे हमें पता चला कि हमने जो मिट्टी भरी थी अपने पॉट्स में वो थोड़ी सी कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी थी। तो जैसे कि एक ये कोको बीट तो हमने डाल दी थी पिछली बार भी, ये हम दोबारा और कोको बीट लाए खरीद के। हम कंपोस्ट का कितने केजी का ये 10? नहीं, खाने में जान निकल गई थी। ये शायद 40 किलो का है। ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। इसमें उन्होंने ऐसे बोला कि ना घास नहीं उगती इससे, जो हम वैसी वाली लेके आते हैं ना, जो मिट्टी जो गार्डन वाली होती है, गार्डन वाली नहीं, वो जो गोबर कहीं पड़ा होता है किसी का उठा के ले आते हैं। एक और चीज जो लोगों ने हमें सजेस्ट करी वो थी रिवर सैंड। तो रिवर सैंड तो हमें मिली नहीं गई, बट आई थिंक दिस विल वर्क, ये हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगी खाद। तो ये हम वो हैंगिंग वाला लेके आए हैं, पता नहीं, वाइट मेरा फेवरेट कलर है इसीलिए सब चीज़ें मैं वाइट ही लेके आ रही हूँ। और ये पॉट है और इसकी ये चेन है जो इसमें लगेगी, ये इसमें होल्स हुए हुए हैं और इनमें ये डाल के ये ऐसे टंग जाएगा। तो अभी पहले इसमें खाद भरते हैं, फिर देखते हैं कहाँ इसे हम टांग सकते हैं। और ये जहाँ से हमने लिया है उन्होंने बताया कि ये थोड़ा वैसे ही लाइट वेट होता है, ऊपर से ये टंगेगा तो ना इसमें मिट्टी हमें कम से कम भरनी है, ज़्यादा इसमें क्या ये कोको पीट, ज़्यादा इसमें कोको पीट ही हमें भरना है, कोको बीट नहीं, इट्स कोको पीट। हाँ यार, और हमारी पुरानी कैसी रहती थी, हमारा तो गोबर रहता था। नहीं, कोको पीट का ज्यादा, कोको पीट के दो, एक इसका, एक हाँ, मिट्टी का। हाँ। तो ये चिराग तैयार कर रहे हैं मिट्टी। तो इसमें हमने तीन चीजें डाली है, पहली तो गार्डन सॉइल, फिर हमने डाला है कंपोस्ट, और फिर थर्ड हमने डाली है कोको पीट। हो गया, ये धुआं निकल रहा है, मस्त चीज नहीं है ये, चीजें हमारे पास सब है, बस यूज में इस्तेमाल में हम कम आती है। मतलब ये सोल्डरिंग के लिए थी और हम क्या कर रहे हैं इससे छेद गमलों में। मतलब जिस दिन सोल्डरिंग के लिए चाहिए होगी ना वाकई में, उस दिन ये नया लाना पड़ेगा। सो अब है मेघा की बारी। आधा काम मैंने कर दिया था, अब आधा करेगी मेघा। आधा क्या, 20% किया आपने। अभी देखना तुम मेरे उठाओगी, तुम जानबूझ के आई इस चेयर पे, अब तुम यहाँ बैठे बैठे बताओगी लाओ प्लांट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इसे उधर रख दो। तो ये हम एक वाइन लेके आए हैं, इसका नाम क्या था चिराग? मेरे को तो टर्टल वाइन कहा था उसने। नहीं, टर्टल वाइन नहीं है ये। तो ये गमलों में अब लग चुके हैं और ये चिराग शुरू हो गए हैं इसकी वो चेन्स लगाने के लिए, जुगाड़। ऐसे जुगाड़ वाला काम मत करना, परमानेंट ही। तो ये देखिए हमने ये हैंगिंग वाले लगा दिए और इनमें जो हमने ये बेल लगाई है इसका क्या था चिराग नाम? टर्टल वाइन। ये टर्टल वाइन नहीं है, कुछ फॉर्म है टर्टल वाइन की। हाँ, ये टर्टल वाइन तो और ज्यादा ग्रीन होती है,
तो पता नहीं, ये चिराग की चॉइस है, ये मेरी चॉइस नहीं है। अरे बड़ी सुंदर लगी मुझे तो ये, सबसे ज्यादा सुंदर दिख रहा है चिराग। सामने और पास से दिखाओ इसका ग्रीन ना, देखो व्हाइट के साथ कितना सुंदर लग रहा है ये देखो। और ये चिराग की चॉइस। अरे उसने कहा था नहीं ग्रीन हो जाएंगे। चलो देखते हैं कोई ना चिराग जो, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। आप भी मुझे, आप सब भी मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये कैसा लगा। और ये जो वाइट कलर के मैं ये पॉट्स लेके आई हूँ, हैंगिंग पॉट्स, ये कैसे लगे, क्योंकि ये मेरी चॉइस है, तो आप प्लीज़ बताइए ये कैसे लगे। और इनमें जो इतनी अजीब सी ये टर्टल वाइन है, ये चिराग की चॉइस है, ये कैसी लग रही है। बट वैसे चिराग कह रहे हैं कि इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, तो देखते हैं। अभी हमने थोड़ी थोड़ी लगाई है, देखते हैं शायद एक दो महीना में यहाँ यहाँ तक आ जाए इतना लंबा। बट इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, हमें जब पानी डालना होगा ना, हमें कुछ स्टूल चेयर हमेशा यहाँ होनी चाहिए। मेरा तो हाथ नहीं पहुँचेगा। यहाँ पे जो ये पाम लगाए थे हमने, ये अभी हमें शिफ्ट करने होंगे, जो आपको वो ग्रे वाले दिखाए उसमें। तो अब यहाँ के लिए चिराग के पास एक और आइडिया है कौन सा प्लांट यहाँ चल सकता है जो धूप में, कड़ी धूप में भी ख़राब नहीं होता है। जैसे कि ये लेके आए थे हम, और इतना बढ़िया अच्छा से हो रहा है, और इतने नए नए पत्ते इसमें आ गए हैं। तो कल जाते हैं और यहाँ ये जो ये चार क्रेट्स हैं इनके लिए लेके आते हैं नया प्लांट। और ये हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। अरे कितने सारे यार, बट ये इंडोर है ना, इनके ऊपर ये लगी हुई है यार। एक ये ले सकते हैं हम चिराग, बट ये इंडोर है तो कोई ना, हम इंडोर में रख लेंगे। तो ये हमने फाइकस कहते हैं ना इसको, फाइकस लिए हैं ये। और ये वाले धूप में बहुत अच्छे चलते हैं। गार्डनिंग का ना इंटरेस्ट सबको होता है, लेकिन कुछ कुछ उसे सिर्फ इससे नहीं कर पाते, क्योंकि गार्डनिंग को भी टाइम चाहिए होता है। देखिए तीन तीन सिलेंडर, ये हो गई हमारी घास तैयार। बड़ी सुंदर लग रही है। तो आज हमने गलती नहीं की है, हम पूरा जांच पड़ताल करके आए हैं कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो धूप में पीला नहीं पड़ता है, ख़राब नहीं होता है, उसकी ग्रोथ नहीं रुकती है। और वो ये है, इसका नाम है क्या है, फाइकस की फाइचस, फाइकस है। और ये आपने बहुत सारे वेडिंग पॉइंट्स में देखे होंगे, लगे रहते हैं होटल्स के बाहर भी ये काफी। और बड़े ये ना ऐसे गुलाई में ऐसे कटते हैं, शायद इससे आपको नाम याद आए, गुलाई में ये वॉल टाइप की बनी हुई रहती है कहीं जगह। हाँ, तो अब यहाँ हमने ये लगाए थे जो पाम ट्रीज, उनको हम शिफ्ट करेंगे। बट आज का दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो इसकी तो अब हम कल परसों में देखते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन आज हम अपने यहाँ के लिए एक ये आर्टिफिशियल मैट लेके आए हैं, तो इसको एडजस्ट करते हैं। तो ये मैं चिराग को कह रही थी, इसका ना थोड़ा लंबाई में ज़्यादा होना था, और इसकी ये विड्थ थोड़ी कम होनी थी, बट नहीं मानना नहीं होता है। ये स्टैंडर्ड साइज की विड्थ थी यार, स्मार्ट वर्क करना होता है। तो हमें कुछ कितना है, ये जितना है ना अभी इतना ही और लेके आना है हमें, एटलीस्ट यहाँ तक तो होना। ओ यार मैं कहा बॉस, हम तो दिहाड़ी पे आते हैं, चप्पल उतार के जाऊं इसके ऊपर। तो बस अब अगली वीडियो में आपको हम दिखाएंगे ऑलमोस्ट पूरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लगेंगे यहाँ पे, और यहाँ आपको हमने
दिखाए थे ये ग्रे कलर के जो हम इसी के साथ लेके आए हैं, तो हम सोच रहे हैं इसको ऐसे थोड़ा ना ब्लैक एंड वाइट के उसमें लगाएं, वाइट ब्लैक, और उस साइड भी कुछ ट्रांसफॉर्म करें उस जगह को। दीवार पे भी कुछ हम सोच रहे हैं अभी, तो मतलब धीरे धीरे करते ही रहेंगे बस, जैसे जैसे हमें टाइम मिलता रहेगा। अब गार्डनिंग का शौक़ पाला है तो पूरे दिल से करें इस चीज़ को। ये मैट हमारा लगा है, हमें अभी इसका कितना 2.5 फुट तो लाना पड़ेगा ना चिरा? हाँ जी, ये 2.5 फुट यहाँ के लिए हो गया, और मुझे अब लग रहा है हमें वहाँ के लिए भी ऐसा कुछ चाहिए क्योंकि तभी अच्छा लगेगा। ये काम तो बहुत है, बस समय निकालना है थोड़ा हमें। और तो चलिए आप हमको बताइए, आपके सजेशंस ही हमें साथ दे रहे हैं। आपने बताया, काफ़ी ने हमें ये कमेंट्स में बताया कि जो ये हमने पाम ट्री है यहाँ क्रेट्स में लगाए हैं, कड़ी धूप में हैं, वो गलत है, तो उनको थोड़ा छाँव में रखिए। तो हम अब यही कर रहे हैं यहाँ के लिए। हम ये, मैं फिर भूल गई इसका नाम, फाइकस, तो हम फाइकस लेके आए हैं, तो इसको अब हम वहाँ छाया में थोड़ा कर देंगे। तो आप प्लीज़ हमको और सजेशंस दीजिए, इस जगह को हमको पूरा बदलना है। तो आप सबके सजेशंस को हम अपने साथ लेके चलते हैं, और इसी तरह इस जगह को हम एक मिनी जंगल बना सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपने सजेशंस तो आप बताएंगे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।